नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञान ट्री के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आपको करोड़पति बनाने वाले प्रश्नों से। पहला प्रश्न ये है कि क्या आपका मन सदैव आपके किसी लक्ष्य के प्रति उत्सुक रहता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका लक्ष्य आपको भावुक करता है और आपके तन मन में बसा हुआ है, जैसा सेना के जवानों के मन में देशभक्ति, या फिर क्या आपका लक्ष्य आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए प्रेरित करता है। अगर हाँ तो आप अपने जीवन के हार्ड गोल्स को जानते हैं, और अगर नहीं तो आपको इसकी जरूरत है सफलता पाने के लिए। और इसी हार्ड गोल्स के बारे में बताती है हमारी आज की किताब हार्ड गोल्स, जिसे लिखा है मार्क मर्फी ने, जो कि एक ऑथर और एक लीडरशिप एक्सपर्ट है। दोस्तों, अगर हम हार्ट गोल्स का एक्रोनिम करें तो एच स्टैंड्स फॉर हार्टफेल्ट, मतलब कि आप अपने गोल से कितने कनेक्टेड हो। इस बात को समझते हैं इस एक्टिविटी से। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उन सिनेरियोस को लिखना है आपको जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील किए, और दूसरा वो सिनेरियो जब आप बहुत मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील किए। हार्टफेल्ट के साथ ही साथ गोल्स का चुनाव भी सोच के करें कि आप अपने बकेट में सैंड भर रहे हैं या फिर कोई प्रीशियस वाइन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 22 मार्च से लॉकडाउन है, तो क्या आपका अब ऐसा कोई गोल था जिसे आपने इस लॉकडाउन के दौरान किया? हार्ट गोल का ए स्टैंड फॉर एनिमेटेड, मतलब आपने अपने गोल को विजुलाइज किया और उसे लिख लिया। दोस्तों, राजकुमार हिरानी और उनकी फिल्म जैसे 3 इडियट को आप जानते ही होंगे, तो आपको भी उनकी तरह अपने हार्ट गोल्स को क्रिएट और एनिमेट करना होगा। दोस्तों, अपने गोल को उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप, प्रकाश और इमोशंस जैसे एलिमेंट से क्रिएट करें, और हमेशा उसे याद रखें जैसे हम मूवीज या किसी पिक्चर को याद रख दें। हार्ड गोल्स में आर का मतलब है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी करें। दोस्तों, हवा, पानी, शेल्टर, फूड, मनी, मोबाइल, इंटरनेट और लव के अलावा कौन सी वो 3 चीजें हैं जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते? कृपया वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। अब इन लिखे हुए 3 एलिमेंट्स में आप ये देखें कि क्या इन 3 चीजों में आपका गोल है कि नहीं। दोस्तों, हमें गोल और उसके लिए हमारे इमोशंस को समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं इसे इस कहानी से। एक लड़का जिसका नाम कैलाश था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, और उसने अपने कॉलेज खत्म करने के बाद किसी बेहतरीन होटल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे ज्वाइन किया, और लगातार अपने हार्ड वर्क से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए 35 वर्ष की ही आयु में बड़े होटल का जनरल मैनेजर हुआ। लेकिन जनरल मैनेजर बनने के कुछ ही सालों के बाद उसका स्वर्गवास हो गया। उसे सिर्फ एक ही गलत बीमारी थी, वो थी स्मोकिंग की और काम के प्रति ज्यादा टेंशन लेने की। तो दोस्तों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि सिर्फ हार्डवर्क ही ना करें, उस हार्डवर्क से मिले हुए फसल को काटे भी और उसका एंजॉय भी करें। तो ये बात समझने की जरूरत है कि क्या उस गोल की अहमियत हमारे लाइफ में कितनी है। हार्ड गोल्स का डी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी। दोस्तों, आपके पेरेंट्स ने आपको कहानियां सुनाई होगी कि कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े, और यही बात हमें समझने की जरूरत है कि बड़ी अचीवमेंट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आप जितनी मेहनत स्किलफुली करोगे उतनी ही अचीवमेंट आपके हाथ लगेगी। अचीवमेंट से आपको सांप सीढ़ी का ये गेम तो याद होगा ही। जब हमें 100 के एक कदम पहले 99 अंक वाला सांप काट लेता था और सीधे नीचे पहुंचा देता था, इससे सोचिए कि आपके लाइफ में वो 99 वाले सांप कौन से हैं जो आपको 99 पर काट लेते हैं और सफलता से एक कदम पहले ही आप चूक जाते हैं। इसके साथ ही जरूरत है कॉम्पिटेंसी की, कि क्या आप में वो एबिलिटी है टू अचीव रिमार्केबल, और अपने अंदर छुपी पॉसिबिलिटी को अनलीश करने की कैपेबिलिटी। दोस्तों, फर्क ये नहीं पड़ता कि क्या आपने पा लिया है, फर्क ये है कि क्या आप पा सकते हैं। आप जो भी काम करें उस पे आपको नाज हो और लोगों को भी नाज हो कि ये काम किसी ने किया है।
इसी बात को समझते हैं इस रिसर्च से। आज से 40 साल पहले दो साइकोलॉजिस्ट एडविन लॉक एंड गैरी लैथम ने 40,000 लोगों पर रिसर्च कर पाया कि जो लोग हार्ड गोल सेट करते हैं उनका परफॉर्मेंस वीक गोल सेट करने वालों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। तो हम अपने गोल्स को कैसे चेक करें कि ये अंडर सेट है कि ओवर सेट है? तो क्या आपके लिए अपना गोल अचीव करना बाएं हाथ का खेल है, या फिर आप अपने गोल को अचीव करने में कंफर्ट जोन में हैं, या फिर दूसरे सिनेरियो में आपका गोल ऐसा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां से शुरू करें और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। इन दोनों ही सिनेरियो में आपका गोल अंडर सेट और दूसरे सिनेरियो में ओवर सेट है। आपका गोल थोड़ा आपके कंफर्ट जोन से बाहर और कभी एक्साइटमेंट और कभी नर्वसनेस देने वाला होना चाहिए, और आप फेल्योर से घबराए नहीं बल्कि अपने आप पर भरोसा रखें और जरूरत पड़ने पर कॉल अ फ्रेंड, आपका दोस्त मेंटोर की तरह काम करेगा और अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों एक और बात, टू टॉक गुडनेस इज नॉट गुड, ओनली टू डू इट इज। तो अपने गोल को 10 में से स्कोर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और अपने आप को गुड से ग्रेट की ओर ले चलें, क्योंकि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। गुड हमें एवरेज की तरफ फोर्स करता है, इसलिए हमें ग्रेट की तरफ ट्रेंड करना है। एंड टू अचीव ग्रेट यू नीड टू हैव अ लीडरशिप। आपको अपने काम को लीडर की तरह स्ट्रेटेजाइज करें और डेलीगेट करें। अपने बेस्ट पीपल को बिगेस्ट प्रॉब्लम के लिए नहीं बल्कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करें। साथ ही साथ याद रखें कि फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियन। तो उन कटु सत्यों को भी सुने जो आपको प्रगति की राह पे बढ़ाने में सहायक हो। दोस्तों आपका हार्ड गोल, आपका पैशन, आप विश्व के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो और आपके इकोनॉमिक इंजन का निष्कर्ष होता है, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी का था, जिन्होंने टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेला और सफल हुए। लेकिन इस हार्ड गोल को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, जैसे 4 बजे सुबह उठकर व्यायाम करना, एक पायलट की तरह सभी इम्पोर्टेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद ही टेक ऑफ करना, अपने अनावश्यक काम को छोड़ना और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना अपने गोल के लिए। तो दोस्तों अगर इस तरह हम अपने गोल के लिए प्रयास करते हैं तो हम सफल होंगे। अगर फिर भी कठिनाइयां आती हैं तो विचार करें, स्ट्रेटजीज और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को चेंज करें, ना कि अपने कोर वैल्यू और पर्पस को। तो ये थी स्ट्रेटजी हार्ड गोल्स और सफल होने की। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ। तब तक हमारे चैनल ज्ञान ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।